साथियों, सबसे पहले तो इतनी संख्या में यहाँ पर आज छात्र इकट्ठा हुए हैं, इन सभी को हमारा छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं क्रांतिकारी अभिनंदन पेश करती हूँ। हम सभी लोग बहुत देर से यहाँ वक्ताओं को सुन रहे हैं और सभी लोग जानते भी हैं कि किन एजुकेशनल इश्यूज को लेकर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज हम एक चीज देख रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक सरकार ने हम छात्रों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। हम देख रहे हैं 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, नो डिटेंशन पॉलिसी को लागू किया गया, 8 क्लास तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा, इस तरीके की एक पॉलिसी आ गई और उसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने है, सरकारी आंकड़े हमारे सामने है कि एक 5th क्लास का स्टूडेंट सिंपल इंग्लिश के सेंटेंसेस नहीं पढ़ पाता है, 9th क्लास में स्टूडेंट पहुंच जाता है लेकिन उसको ना हिंदी पढ़नी आती है ना इंग्लिश पढ़नी आती है और ना वो मैथ्स के कुछ भी सम सॉल्व कर पाता है। इस पॉलिसी ने प्राइमरी एजुकेशन का कितना नुकसान किया है ये आज सब हम सभी लोग देख पा रहे हैं। ये पास करने के बाद अभी तो पिछले 2 साल से 10th को कंपलसरी कर दिया, 10th में बोर्ड कंपलसरी कर दिया है। उससे पहले हम देख रहे थे कि 10th में बोर्ड का एग्जाम भी नहीं हो रहा था। किसी तरीके से बच्चा 10th पास करता है, 12th पास करता है तो हायर एजुकेशन में आने के लिए उसके पास कोई स्कोप नहीं है। एक अकेली दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाखों लाख रजिस्ट्रेशन होने के बाद केवल 50-60,000 स्टूडेंट्स है जिनको एडमिशन मिलता है। आज हमारी सरकारें नाकाम है कि जितने स्टूडेंट्स 12th पास कर रहे हैं उनको हम हायर एजुकेशन में एडमिशन दिलवा सके। हम देख रहे हैं जो बच्चे हायर एजुकेशन में एडमिशन ले लेते हैं वो किन पॉलिसीज को आज झेल रहे हैं। 2013 में जब FIUP आया था, ग्रेजुएशन को 4 साल का कर दिया गया था, उसको स्टूडेंट टीचर्स के एक जॉइंट मूवमेंट के तहत रोल बैक कराया गया। उस पॉलिसी ने कितना नुकसान किया हम सभी देख रहे हैं और आज उसी की बैकडोर एंट्री हुई है CBCS के नाम से, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। कहने के लिए तो बहुत सारी चॉइसेज है हमारे पास लेकिन चॉइस कोई मिलेगी नहीं, सरकार के पास देने के लिए कोई चॉइस नहीं है। हम देख रहे हैं पिछले साल से लगातार जिन पॉलिसीज को लागू किया जा रहा है, चाहे वो ग्रेडी इकोनॉमी हो, चाहे वो हेफा हो, चाहे वो UGC को अबॉलिश करके HECI को एस्टेब्लिश करने की बात हो, ये सभी पॉलिसीज लगातार एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन कमर्शियलाइजेशन की तरफ ही बढ़ रही है। हम देख रहे हैं ऑटोनॉमी का क्लोज, ग्रेजुएट ऑटोनॉमी के जो क्लॉजेस हैं उनको हम उठा के देखें तो उसमें साफ साफ लिखा है आप नई फैकल्टीज को इनवाइट करो, आप नया सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करो, नए डिपार्टमेंट खोलो लेकिन हम आपको फंड नहीं देंगे, हायर एजुकेशन भी कीजिए। इस तरीके की पॉलिसीज आज हमारी सरकारें लागू कर रही है। लगातार शिक्षा बजट में कटौती की जा रही है, हम लगातार डिमांड कर रहे हैं सेंट्रल बजट का 10% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए लेकिन हम देख रहे हैं कि हर साल एजुकेशन बजट को कम कर दिया जाता है। कॉलेजेस में जो फीस बढ़ रही है, स्कूलों में जो फीस बढ़ रही है, ये सभी इश्यूज को हम देख रहे हैं। जो प्रोग्रेसिव छात्र आज इन इश्यूज के खिलाफ खड़े होते हैं उन प्रोग्रेसिव छात्रों पर ना केवल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू बल्कि हमारे जो राइट विंग के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ABVP जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको खुला सपोर्ट है, हमारी सरकारों का खुला सपोर्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का। वो आके छात्रों की मार पिटाई करके जाते हैं और उनको कुछ नहीं बोला जाता। और पंजाब में जब स्टूडेंट्स फी हाइक के खिलाफ लड़ रहे थे तो उन पर सेडिशन का चार्ज लगाया गया। जो स्टूडेंट्स फी हाइक के खिलाफ लड़ रहे हैं उनको बोला जा रहा है कि आप देशद्रोही हो, ये शर्म की बात है। सरकारें ना एजुकेशनल इश्यूज को, जो हमारी डिमांड्स है उनको पूरा करने में नाकाम है, पूरी तरीके से नाकाम रही है। जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसमें केवल उन लोगों के लिए आज एजुकेशन है जिनके पास पैसा है। हम देख रहे हैं कोई भी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, BJP सरकार हो, वो नाकाम रही है एजुकेशन प्रोवाइड कराने में। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ना केवल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, ना केवल हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स पर हमला किया जा रहा है बल्कि जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, चुपचाप बैठी हैं। कितने स्कूलों में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाता है, सरकारें चुप बैठी रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कल्प्रिट को बचाती रहती है। हमारे सामने BHU की घटना है, हमारे सामने जामिया की घटना है, हमारे सामने अलग अलग कैंपसेस की घटना है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन की घटना है। ना केवल
रही है। और आज जो स्टूडेंट्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी लोग ये जान ले कि हमारे देश में ही नेताजी पैदा हुए थे, हमारे देश में ही भगत सिंह पैदा हुए थे। और उन लोगों ने जिस राजनीति को आगे बढ़ाया, उन लोगों ने जिस सपने को देखा कि पूरी सभी को एजुकेशन मिलना चाहिए, गर्ल्स की सिक्योरिटी के लिए जो उन्होंने सपना देखा कि छोटी बच्ची से लेकर बूढ़ी औरत तक हर कोई हमारे देश में सुरक्षित रहना चाहिए, इस सपने को पूरा करने की राजनीति को लेकर आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो सरकारें बैठी हुई हैं, जो कर रही हैं, वो ये जान ले कि हमारे देश के लोगों में अभी भी, आज भी कॉन्शियसनेस बाकी है। हम सोच सकते हैं, हम विरोध कर सकते हैं, हम करेंगे और तब तक करेंगे जब तक हम अपनी डिमांड्स को अचीव नहीं कर लेते हैं। यही कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगी। AIDS तो जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।